चलिए इस वक्त की बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, आपको बता दें कि अजय माकन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आपके साथ गठबंधन के बिना वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस आलाकमान को अवगत कराया गया है, अजय माकन, जेपी अग्रवाल, संदीप दीक्षित, कपिल सिब्बल नहीं लड़ेंगे चुनाव। सूत्र, बिना गठबंधन नहीं, दिल्ली सीट पर शीला की पहली पसंद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अजय माकन का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि आपके साथ गठबंधन किए बिना वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कांग्रेस आलाकमान को अवगत कराया गया है और आपको बता दें इसी के साथ अजय माकन, जेपी अग्रवाल सहित कुछ नेताओं के नाम यहां पर लिए गए हैं जो आपसे गठबंधन के बिना चुनाव नहीं लड़ेंगे। अजय माकन का बड़ा बयान सामने आ रहा है गठबंधन को लेकर। लगातार आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर संशय बरकरार है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। यहां पर शीला दीक्षित नहीं चाहती कि गठबंधन हो, तो वहीं पीसी चाको चाहते हैं कि गठबंधन हो। तो यहां पर अब इसी बीच अजय माकन का बड़ा बयान सामने आ रहा है और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किए बिना वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, तो जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर संशय लगातार बना हुआ है, इसी बीच अजय माकन का बड़ा बयान, आपसे गठबंधन किए बिना चुनाव नहीं लड़ेंगे अजय माकन। और अजय माकन ही नहीं, जेपी अग्रवाल, संदीप दीक्षित, कपिल सिब्बल भी चुनाव नहीं लड़ेंगे आपके साथ गठबंधन किए बिना। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, कांग्रेस आलाकमान को अवगत करा दिया गया है, अजय माकन का बड़ा बयान सामने आ रहा है। यहां पर कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि गठबंधन हो, तो वहीं कई नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि गठबंधन ना हो और उन्हीं में से एक है अजय माकन जो चाहते हैं कि गठबंधन हो। लेकिन शीला दीक्षित इससे सहमत नहीं है कि आपके साथ कांग्रेस का गठबंधन हो दिल्ली में। और इसी बीच अब अजय माकन का बड़ा बयान सामने आ रहा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि आपसे गठबंधन किए बिना वो चुनाव नहीं लड़ेंगे।